देखिए वो विद्यालय का वार्षिक उत्सव है, उस परिवार से हमारा लगाव बहुत पहले से था। विद्यालय के प्रबंधक रहे कृष्ण सिंह जी, कोरोना में उनकी डेथ हो गई तो उन्होंने ये निमंत्रण हमको भी दिया है, उनको भी दिया है, तो हम भी वहाँ जा रहे हैं, वो भी आ रहे हैं, तो क्या तो कोई राजनीतिक कार्यक्रम नहीं है। तो क्या समझा जाए, आप बीजेपी की तरफ बढ़ रहे हैं ऐसा माना जाए? कल आप दिल्ली में भी, दिल्ली में भी दिखे। दिल्ली में तो हम महाराष्ट्र के नेता से मिले। अब्बास अंसारी को ईडी ने गिरफ्तार किया, इस पे क्या कहेंगे? वो ईडी का काम है, पूछताछ कर रही है, उसको सब हुआ है, गिरफ्तार की है, वो अपना अदालत में अपना पक्ष रखेंगे। मऊ से विधायक है आपके पार्टी से? हमारी पार्टी से जरूर है, लेकिन वो नेता है समाजवादी पार्टी के। लेकिन समाजवादी कहती है कि वो आपके पार्टी से है। अगर यही समाजवादी पार्टी मान लेती तो जफराबाद के विधायक से झंडा उतरवा दे। तो आप क्या प्रैक्टिस निकाल रहे हैं उनको? जब समाजवादी पार्टी के नेता है तो हम कहें को निकाल रहे हैं? तो चुनाव आयोग का काम है ना, हमारे निकलने से कोई निकलेगा? तो आप मानते हैं क्या वो आपके पार्टी में है अभी? नहीं, हमारे सिंबल से चुनाव लड़े हैं। तो अभी आपकी पार्टी में है कि नहीं, ये बताइए भाई। मैं क्या कह रहा हूँ, वो हमारे सिंबल से चुनाव लड़े हैं, नेता सपा के हैं। समाजवादी पार्टी ने मुझे 12 कैंडिडेट दिया है, उसी में वो भी एक कैंडिडेट है और सिंबल हमने दिया है, वो 12 में वो भी है। आज सीएम योगी भी बलिया आ रहे हैं, तो क्या आप मन साझा करेंगे? ये तो हम आपसे सुन रहे हैं कि वो आ रहे हैं। नहीं, आप दयाशंकर जी से मिल के आए हैं तो दयाशंकर सिंह से संबंध है, हमारा संबंध लालू यादव से है, हमारा संबंध नीतीश जी से है, हमारा संबंध मुकेश साहनी से है, हमारा संबंध उद्धव ठाकरे से है, हमारा संबंध किससे नहीं है। जब बीजेपी आपने छोड़ा था तो काफी बुराई कर रहे थे बीजेपी की, अब बीजेपी वही अच्छी होगी आपके लिए, इसलिए नजदीकियां बढ़ाई जा रही है? नहीं, वो चीज नहीं है। देखिए, नीतियों का हम विरोध करते हैं जी, हम आपका भी विरोध करते हैं। अच्छा, कभी कभी जब आप भी कुछ गलत कर देते हैं तो आपके सामने कहते हैं कि गलत कर रहे हैं। उसी तरह हम सरकार में भी थे तो सरकार के सामने मैंने नीतियों का विरोध किया था। खुल के कोई आजादी के बाद पहली बार देखा होगा यूपी में कि मुख्यमंत्री और मिनिस्टर में आमने सामने जो नीतियों का जो विरोध हुआ था, शायद ऐसा कोई कभी जीवन में नहीं कर सकता। क्या नीति आप सही हो गई वो? अब उनकी नीति हमारी नीति अलग है। नहीं, जिस तरह से भाई, हम तो साफ साफ देखिए, स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा कि फ्री देना था शिक्षा स्वास्थ्य और न्याय फ्री दो, यही चीज तो हम भी मांग रहे हैं, यही चीज की लड़ाई हम लड़ रहे हैं। हम जातिवाद जनगणना की बात कर रहे हैं, हम एक समान अनिवार्य फ्री शिक्षा की बात कर रहे हैं, हम गरीबों का इलाज फ्री करने की बात कर रहे हैं कि सरकार पैसा दे उनका। हम तो प्रदेश में बेरोजगारी चरम पे बढ़ रही है,